रसिका जी, और जिस तरह से सबने स्वागत किया है रसिका जी का, यकीनन आगे भी जब हम उनके गीत सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब वो अलग अलग एक्ट्रेसेस को ट्रिब्यूट देंगी तो लिटरली आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। आइए मीना कुमारी जी के बाद बढ़ते हैं आगे, उस अदाकारा की बात करते हैं जिन्हें देखकर, जिनकी तस्वीर देखकर, जिनका अभिनय देखकर आज भी हर कैटेगरी की ऑडियंस के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, वाह। उन्मुक्त बेहद खूबसूरत, और अदायगी का पैमाना है, अल्हड़पन की पहचान है, एक ऐसे अदाकारा जिन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा जिंदगी को इतनी गहराई से नापा कि उनका हर किरदार जीवंत ही लगता है। नन अदर देन द ओरिजिनल अनारकली ऑफ इंडियन सिनेमा, मधुबाला। जो बात बात पर हंसती थी, जिनके हंसी से हीरो परेशान रहते थे कि एक बार हंसना शुरू करती है तो सीन रुक जाता है, जिनके साथ हर हीरो कहीं ना कहीं उस दौर में काम करना चाहता था, स्क्रीन शेयर करना चाहता था, वही हीरोइन मात्र 36 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई और पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गई जिसे आज भी कई एक्ट्रेसेस टच करने की, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अ हम्बल ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड एंड ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा, द ओरिजिनल अनारकली ऑफ इंडियन सिनेमा, मधुबाला। और इस गीत को पेश करने के लिए मंच पर आ रही हैं शैलजा सुब्रमण्यम जी, साथ देगी सिमरजीत कौर की कोरस टीम। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां कोरस टीम के लिए हो जाए। सभी कलाकार आज बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और जो गीत अभी आपके बीच हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन, बहुत ईजी गीत है। हर गीत एक से बढ़कर एक है, हर एरा को आज हम डिफाइन करने वाले हैं, ट्रिब्यूट देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एक और मेगा 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 सुपर हिट क्लासिक पीरियड ड्रामा की ओर। मधुबाला कहाँ जा जिक्र हुआ है, अनारकली कहाँ जा जिक्र हुआ है, वहाँ मुगले आजम को भी ट्रिब्यूट देते हैं। इट वाज अ सॉन्ग फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा।